सवारी चलती है। सवारी आज रेनकोट पहने हुए है क्योंकि बारिश है। सुबह सुबह उठ के झटका मिला है कि बारिश हो रही है। मैंने पहले ही कहा था बारिश होगी। हाँ यार, तुमने इस बार कहा था, लेकिन तुमने कल का भी कहा था। ठीक है, कल कहीं और हुई होगी। कल तो पेपर में भी आया था बारिश होगी। बारिश अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज्यादा नहीं लेकिन ये हमारी गाड़ी है, दशहरा की तैयारी है। यार बहुत डर का है इधर तो। चलो कोई नहीं, आगे लेंगे गाड़ी। नहीं नहीं ठीक है, मैं तब तक आपको कहीं और से देखो, कुछ अगर ऐसे दिख जाए। नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। कल हमने गाड़ी चमकाई है, मैंने और रक्षा ने मिलके। मैंने तो खाली फोन पकड़ा है। हाँ लेकिन फिर भी तो यहाँ पे स्वास्थ्य बनाया जा रहा है, जो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत डार्क है। और भी ये हमारी बिल्डिंग है, बारिश में ऐसे बढ़िया एकदम झकास। अब हमने इसमें लाइट लगा दी है। तो ये हो गया। डह गया, डह गया। वो तो थोड़ा बहुत तो अब इसको या तो माला खोल लो, पता है खोलने पे रह जाएगी, या तो इस पे डाल दो नंबर प्लेट पे, तो वो एडजस्ट हो जाएगी मेरे हिसाब से, है ना। लोगों को लगेगा नई बाइक है। नहीं है, नहीं है, ऐसे नहीं होती है। अभी जो पूछा करता है उसको एक राउंड भी दिलाना पड़ता है आने के बाद। लाइट ऑफ कर दो। अच्छे आ रहे हो लेकिन चमक रहे हो लाइट के वजह। अच्छा तो आते ही ना आया जो देखा। आप लाइट ऑफ किया तो तुम चमक नहीं रहे हो। बाहर बारिश है। ए, बारिश बंद हो गई है। बंद हो गई लेकिन अब मेरे रास्ते में मुझे कहीं दिखी मिली जाएगी यारी गाड़ी। बाय। चलते हैं वापस अपने घर। आज बारिश है तो कोई घूम नहीं रहा है, वरना भी सारे लोग घूमते हैं। बढ़िया शांति, अंधेरा है। एक अंकल है, जाना है बाहर और आ रही है तेज बारिश। तो अभी हम गाड़ी से तो नहीं जा रहे, हम कैब कर रहे हैं। होपफुली चलो आ गई है कैब। हमारी राइड थी वहाँ पे रुक गए और ये है वो गौशाला पनखी की। बहुत सारी गाय हैं, बड़ी गौशाला है। तो हम लोग फॉर्चुनेटली रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पे ही रुके हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ ले लेते हैं। बच्चों के लिए तो ले ही लेंगे और अपने लिए भी।
तो मैं खाली चक्कर मारने के लिए आई हूँ। स्मार्ट पॉइंट वाले के पास में चेंज नहीं थी तो उसने 10-10 के 10 सिक्के दिए, है ना? एक पेड़ पे 10 चिड़िया बैठी थी, एक सिंगारी में एक रिवाल्वर, रिवाल्वर का मतलब समझते हो, जिसमें आवाज होती है वो मारी थी, एक चिड़िया वो लग ये समझ गए। सवाल जवाब शुरू है सबसे। अब ये सवाल है, ये चिड़िया का जंगल में चले जाते हैं और जंगल में बने रहते हैं ये लेफ्ट आउट हो गई है। आप देख सकते हैं कैसे मैं तो सिटी वाली नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ सिटी वाली हूँ। बाकी लोगों का आता पता नहीं है। यहाँ हवन चल रहा है और यहाँ कथा चल रही है। बड़े हरामी हो बेटा, मैं तुम्हारे लिए पोज कर रही हूँ। इन लोगों की कथाएं अलग ही है। अल्ले तोड़ नहीं पा रहे अभी। अंकल है ना, अंकल है, अंकल है, अंकल है। जी ने कहा अपने हाथ से बांध लो। मैं और रक्षा भाई बहन, अब ये इनके बांध रही है। प्यार की निशानी है मेरे हाथ पे, मेरे हाथ पे करिश्मा का नाम आ चुका है। हैं? ओ हो हो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। मेरे घर मेहंदी पे अब करिश्मा का नाम रहेगा। ये कहाँ से आया? जब तक ये कलावा है, जब तक ये कलावा। खाना खा चुकी हो? तुम खाना खा चुके हो? तो जो गेस्ट थे उन्होंने, नहीं जो ओनर्स थे वो ऑलरेडी खाना खा चुके हैं। नहीं नहीं, खाली छोटी बच्ची ने खाना खाया है क्योंकि वो कन्या भोजन के लिए चली गई थी। तो अभी हम लोग फाइनली उस चीज़ के लिए जा रहे हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, जो कि है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जब भी किसी के घर जाओ इस खाना खाना पीना सब होने के बाद पेट फूट जा ये सब, क्योंकि बारिश हो रही है तो खाना वाना खुल चुका है और गाड़ी भी आ रही है तो हम इधर हो जाते हैं। और टाटा बाय बाय बोलने का समय बोलते हैं। देखो काम का प्रेशर, जाते जाते बॉस ने काम दे दिया। बॉस आखिर बॉस ही होता है, चाहे बॉस के घर तक पहुंच जाओ। ले लिया गिफ्ट लेने के बाद किया सोचो। बहुत अच्छा है। नहीं आया, और भाभी आपको कैसा लग रहा है? खुशी 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 जाहिर करो, खुशी खुशी, बहुत खुशी है, साथ में थकान भी बहुत। हमें भी बहुत खुशी है, थकान तो होगी अपने नए घर में, लेकिन अच्छी थकान है ना। लेकिन सच में घर बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशन मैनी मैनी। सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कैब की, कैब ही नहीं मिल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बॉस भी देख रहे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन तुमको छुट्टी नहीं मिलने वाली है? कोई बात नहीं, लेकिन संडे की दो, बस वही चाहिए। संडे दो कम से कम, संडे भी तो नहीं मिल रहा है। बस अभी चल रहा है कि कैब मिल जाए फटाक से। एक्चुअली यहाँ के यहाँ पे कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं, आधे टाइम भी हमारा देखा ही आपने इशू हो गया और अभी तो कैब ही नहीं मिल रही है। लेट्स सी क्या होता है।
और कुछ लोग बोल रहे हैं बंदा मिया की और ताली जाकर कहेगा ओ बड़ा प्यारा सच्चा है तेरा द्वार हमारा यही बनाया है रावण दहन हो गया है कि होने का है होने का ये तो यहीं से देखने मिल जाएगा मैं वही सोचो पटाखे फूट रहे तो पक्का बारिश बंद हुई है और ये रावण दहन बारिश चलो फाइनली कोई तो रावण दहन हो रहा है ये क्या जानबूझ के उसके नीचे लगा रहे हैं क्या नीचे लगती है नीचे पटाखे अरे क्यों उसके बेंबी पे नहीं करेंगे पेट में भरे रहते हैं वही तो है वो वहां वही अब इतना कहां टेक्निकल करेंगे लगेगी पेट में जाएगी ऊपर से डर गई मैं पेपर देखो पॉइंट जय सियाराम तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव फुलफिलिंग और टायरिंग आल्सो एक बढ़िया सा दिन यहाँ पे खत्म होता है और इसी के साथ साथ हमारा ये ब्लॉग भी यहाँ पे एंड हो जाएगा होपफुली आज के दिन का आपको फुल फ्लेज्ड ब्लॉग देखने मिलेगा आफ्टर सो लॉन्ग वरना टूटा फूटा इधर उधर का देखने मिल रहा था ठीक है तो आज से दशहरे के साथ साथ फिर से एक नई शुरुआत वैसे तो हर दिन मैं बोलती हूँ लेकिन फिर भी दशहरे के साथ एक वो न्यू ईयर वाली फील आ जाती है तो आप सबको फिर से दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग भी अपनी अपनी बुराइयों पर जीत पाए ऐसे में हम कामना करते हैं ऑल द वेरी बेस्ट और साथ में डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज अखिल रक्षा की फिर से बोलो अखिल रक्षा की दुनिया